हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं 17 एक वीडियो बना चुका हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो है जो रेलवे सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ट्रांसिस्टर्स आर मेड फ्रॉम द ट्रांसिस्टर किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सेमी कंडक्टर के। तो सी वाला इसका आंसर होगा, सेमी कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर का क्या होता है? जब आप बुक में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पढ़ोगे आपको पता चलेगा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपन एयर का क्या होता है? एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1। ये वाला आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ करंट इन पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ड्यू टू। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है होल्स के कारण। तो आंसर होगा बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है 80 केल्विन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बिहेव एज। तो 0 डिग्री केल्विन पे इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर किस तरह बिहेव करता है? ये करता है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इसको किया था और स्टेड ने। डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द कलर्स हैव द हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसमें से कौन से कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? तो ये है रेड की। डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनविजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये किसकी होगी? ये होगी वायलेट। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, लॉन्गेस्ट रेड की शॉर्टेस्ट वायलेट की। एट नंबर एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स स्टोमक। जो पेट के अंदर का जो एग्जामिन करने के लिए बर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस पे वर्क करता है, इस प्रिंसिपल पे। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो आप सबको पता है ये तो होती है वैक्यूम में ये मैक्सिमम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपीयर्स विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कॉन्सिक्यू। तो इसमें से करेक्ट क्या होगा? उसके बाद अगर सडनली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो डिसअपीयर हो जाए तो इसका आंसर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, लेकिन मास सेम रहेगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2 ये यहाँ पे दिया है आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर ये सब ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो डी वाला है वो नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कैटल फार्मिंग। तो इसका आंसर होगा मीथेन, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है ना जो केटल द्वारा उसके द्वारा तो निकलती है ना, तो वो मीथेन निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर जो इज ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो कब किया था? वो किया था 1973 में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्ट की फॉर इंसर्शन ऑफ ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में इंसर्शन न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं शॉर्टकट की? तो ये करते हैं CTRL+M, ये करते हैं। और अगर न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए CTRL+L और न्यू फाइल ओपन करने के CTRL+O और न्यू स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए CTRL+M। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ISO का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिश कैन सर्वाइव इन ए फ्रोजन लेक बिकॉज। तो जो किस कारण वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। तो वाटर जो बॉटम में होता है वो फ्रीज नहीं होता, इस कारण से फिश सर्वाइव कर जाती है फ्रोजन लेक में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।